सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लास्ट फ्यू डेज़ बहुत 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 बिज़ी रहे हैं, स्टिल आई एम टू मच बिज़ी। मैं अलग अलग कामों में मसरूफ़ हूँ तो इसलिए मैं वीडियोस जो है डेली बेसिस पे अपलोड नहीं कर पाई, तो कोशिश करूँगी डेली अपलोड करूँ। तो आज के दिन में मैं आपसे आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ रैंडम रूटीन। डेली बेसिस पे हम लोग सेम नाश्ता नहीं करते, डेली हमारा सेम डे नहीं होता, डेली अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग नाश्ता, अलग अलग खाना। तो मैं आज आपसे रैंडम रूटीन अपनी शेयर करने वाली हूँ और शेयर करूँगी फातिमा की यूट्यूब चैनल लाइफ विद एनी एंड फातिमा ने 1K सब्सक्राइबर्स भी कम्प्लीट कर लिए हैं और माशाल्लाह से इनका अकाउंट भी मोनिटाइज हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सुबह उठते साथ ही फातिमा सबसे पहले खुद ब्रश करती है, साथ साथ अपने कपड़ों को, अपनी डॉल्स, अपने टॉयज, इन शॉर्ट खुद से रिलेटेड सब चीज़ों को ब्रश करवाती है और साथ साथ हमें भी ऑफर करती है कि आप भी कर लो। और हम कहते हैं कि नहीं भाई, हमने तो कर लिया, बस अब तुम खुद ही करो। तो ये एक अच्छी आदत है, बच्चों में आदत डालनी चाहिए सफाई की। तो जी खैर, आज हम लोगों ने संडे ब्रंच किया, सब बहनों ने मिलकर अलग अलग डिशेज़ तैयार की। वैसे तो हम लोग जिसको जो चीज़ पसंद होती है वही नाश्ता बना के खा लेता है, बट एक दिन वीक में ऐसा ज़रूर होता है कि हम सब लोग मिलके इकट्ठा बैठ के नाश्ता करते हैं और डिशेस जो हैं वो सबके ज़िम्मे लगी होती हैं कि इसने ये बनाना है, इसने ये बनाना है, इसने ये बनाना है। तो खैर, फातिमा ने भी बड़ा मज़े ले ले के नाश्ता किया। और ये हमेशा की तरह गिफ्ट्स पैक करना मेरी ज़िम्मेदारी है। ये तमाम गिफ्ट्स क्या थे ये आप जानने के लिए जाइए लाइफ विद एनी एंड फातिमा के चैनल पर और देख लें कि उनको हम सब ने मिलके क्या गिफ्ट्स दिए। हमारी घर की खेती का धनिया भी उगाया है और ये लहसुन, इसको निकालते हैं। ये तो निकल ही नहीं रहा। ये निकालना, ये लहसुन ये लहसुन सिर्फ एक ही एक ही। अच्छा, ये वाला निकाल। कोई भी ऊपर से टूट जाता है। तो ये कैसे निकलेगा? दिखाना। ये कैसा लहसुन है? अच्छा, ये वो दूसरे वाला है ना लहसुन? जी, ये दूसरे वाला। ये कौन है? इसको टच करो फातिमा, टच टच टच। डम फातिमा, ये कौन है? कौन है ये? आजो। ओके जी, साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि मेरे सेकंड चैनल लियोरेन फ्लिक्स पर मैं बहुत जल्द अपनी वेब सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ कहानियाँ के नाम से, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ होंगी, शॉर्ट स्टोरीज़ होंगी। तो मेरे लियोरेन फ्लिक्स चैनल जो स्क्रीन पर नाम आ रहा है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी अब हम जा रहे हैं वॉक पर। ताज़ा हवा हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है, वॉक को ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएँ। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए, एक्टिव रहने के लिए वॉक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इंसान की तबीयत भी दुरुस्त रहती है और जो डिप्रेशन होता है वो भी जाता रहता है, तो वॉक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फातिमा,
फातमा हाथ पकड़ लो फातमा, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो ऐसे। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। फातमा में हम सब खालाओं की एक एक ख़ास बात जो होती है वो शामिल है, खसूसियात, मतलब तमाम खसूसियात इसमें शामिल हैं। इसको फैशन का भी शौक़ है, ज्वेलरी का भी शौक़ है, मेकअप का भी शौक़ है, पेंटिंग्स, हॉर्स राइडिंग, इन शॉर्ट तमाम चीज़ों का शौक़ है। हम सब की खसूसियात इसमें शामिल हैं। और ये जी हमने लिया है नया डेकोरेशन पीस, जहाँ हमने इसको रखना था उस एरिया में बिल्कुल फिट आ गया। और इस डेकोरेशन पीस की ख़ास बात यह है कि ये बोलता भी है और तो और बहुत गुस्सा करता है। अच्छा, गुस्से वाली आदत इसकी मुझ पर गई है, जो बहुत बुरी आदत है, बुरी बात। और जी ये इसने पहनी हुई है चप्पल अब्बू की, बच्चों की ये जो आदत होती है हर बड़े पंगे में इन्होंने अपना हाथ डालना होता है, लेकिन इसने पाँव डाले हुए तो आजकल ये हम सब खालाओं की, अपनी अम्मी की, मेरे अब्बू की, यानी कि इसके नाना हुए ना, हाँ, सब की चप्पलें पहन के ये वॉक करती है, फैशन कर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब फैशन ही करती है, बस यही बोलते हैं ना। फातमा, फातमा, फातमा अभी तो देखो ये सैंडल्स फातमा की मोस्ट फेवरेट हैं, क्योंकि जब वो चलती है तो इसमें से छन 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 की आवाज़ आती है। ये लिबर्टी से हमने लिए थे, लिबर्टी के व्लॉग में आप देख सकते हैं। और हम लोग गए थे लॉन्ग ड्राइव पर, हमको खानी थी आइसक्रीम और फातमा और मैं मस्तियां कर रहे थे। सॉन्ग मैं इसमें म्यूट कर रही हूँ बिकॉज क्लेम का जो है वो ऑप्शन आ जाता है कॉपीराइट का, इसलिए मुझे सॉन्ग जो है वो म्यूट करना पड़ा। तो खैर, ये हमारी मस्तियाँ चलती रहती हैं, डेली रूटीन का हिस्सा है, हम लोग बहुत माशाल्लाह से इन्जॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए तो ये खिलौना है फातमा, खालाओं की जान, मामों की जान, नाना नानी की जान, दादा दादी की जान, अम्मी अब्बू की जान, सबकी जान फातमा। फातमा के बाबा ने फातमा के लिए बुक भेजी थी जिसमें बॉडी के पार्ट्स लिखे हुए थे, इंक्लूडेड पिक्चर्स। और फातमा जो है वो बिल्कुल एक कॉर्नर में छुप के अपना सबक याद कर रही है, जो मैं उसको पढ़ाने की कोशिश कर रही थी तो वो मुझसे नहीं पढ़ रही थी, सुन लिया था उसने कि क्या मैं पढ़ा रही हूँ, और वो कॉर्नर में जाके छुप के तब याद कर रही थी और साथ साथ अटखलियाँ भी कर रही थी, खेल भी रही थी और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो पढ़ क्या रही थी। फातमा, बॉय, बेली, यश, बेली, शोल्डर, शोल्डर, यश, थंब, थंब, फातमा, थंब, फातमा, थंब क्या होता है, थंब,
फातिमा ये थम, आपका थम कहाँ है? फातिमा का थम कहाँ है? फातिमा थम 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 फातिमा का थम दिखाओ, ये होता है थम। फातिमा का थम कहाँ है? फातिमा का थम कहाँ है? फातिमा का थम कहाँ? ये है थम, फातिमा का थम, ये फातिमा का थम। नो नो टीट, फातिमा की टीट दिखाओ, फातिमा की टीट। फातिमा, फातिमा लेग, फातिमा लेग, पढ़ो पढ़ो बुक पढ़ो। फातिमा हियर, फातिमा बताओ ना क्या लिखा हुआ है? Yes. Here. Here. No, no. Here. Face. Fatma face. Eye. Neck. Fatma ko neck. Neck. Shoulder. ये नहीं है shoulder. ये shoulder. शोल्डर बोलो ना, ते ते ते। फिंगर, आई, हेयर, लाइफ विद एनी एंड फातिमा। फातिमा और एनी के चैनल को 1K सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं, साथ साथ उनका अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट चैनल जो है वो भी मोनेटाइज हो चुका हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उसी की पार्टी हो रही थी, ये हम हैं, ये हमारा केक है और यहाँ पार्टी हो रही है। सो मैंने इसको इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आप लोग खुद जाकर लाइफ विद एनी एंड फातिमा के चैनल पे ये पूरा व्लॉग देखें। मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप वो वाला व्लॉग जो है मिस करें। हमने बहुत इन्जॉय किया, साथ साथ हमने बारबेक्यू भी किया और बहुत यमी था। मैंने ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ, सो कॉल्ड डाइटिंग, वो छुप छुपाई वाली जो होती है ना, लेकिन फिर भी मैंने कम खाया। इट वॉज़ रियली यमी। इधर देखो, इधर देख के को थी जी हमारी डिफरेंट डेज की एक छोटी सी कहानी जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। मुझे इजाज़त दें एक छोटी सी नसीहत के साथ कि कभी भी किसी से जेलिस और हसद मत करें। जेलिसी इज़ अ वेरी 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 गंदा कीड़ा जो आपको खाता है।
जिससे आप जेलिस होते हैं ना, उसको कुछ भी नहीं होता, उसको कुछ नहीं जाता, उसके साथ अल्लाह होता है, ठीक है। तो हसद और जेलिसी से सिर्फ आप अपने आप को जलाते कुड़ते रहते हैं, ना आप किसी से कुछ छीन सकते हैं, ना कोई आपसे कुछ छीन सकता है। तो अपने हिस्से की जो खुशियाँ उसमें खुश रहें, और लोगों को भी खुश रहने दें, ठीक है। और बाकी जो लोग होते हैं जो दूसरों के घरों की बेरियों पर वट्टे मारते हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे ये कहना है कि अपने घर की बेरी पर नज़र रखें, बाकियों को छोड़ दें, सबका अल्लाह ही हाफिज़ है, ठीक है। तो नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।